हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छिता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का शरबत, जो आप व्रत में भी पी सकते हैं और गर्मियों में तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए, ये बेल है, ये देखिए इस तरह ये पक जाता है। अभी तो ये थोड़ा सा कच्चा है, ये थोड़ा सा पीला येलो कलर का ऊपर से हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे हम। देखिए, इसका पल्प मैंने निकाल लिया है पहले से पका हुए बेल का, और इसको अब हम अच्छे से मैश करके उसका जो देखिए इसमें थोड़े से रेशे टाइप के होते हैं, ये इसको हम छन्नी से छान लेंगे। पहले हम इसको अच्छे से इसको बर्फ़ के साथ ही करिए, तो ये ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा और फ़ायदा देता है। गर्मियों में तो ये समझ लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं या कुछ भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, और बेल का शरबत आप पीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। बेल तो वैसे भी हर चीज़ में अच्छा है, इसके बहुत ही फायदेमंद है। देखिए अब हम इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देंगे, जिससे हम इसको आसानी से छान सकें। छन्नी की सहायता से हम इसको छान लेंगे। जितना आपको इसको गाढ़ा या पतला करना है उतना आप पानी डाल के कर सकते हैं अपने अनुसार। इसमें और क्या क्या सामग्री पड़ेगी गाय? चीनी पड़ेगी, नींबू और भुना हुआ जीरा, और बर्फ़ की कुछ क्यूब्स, आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं आपको अगर पसंद है, और सेंधा नमक पड़ेगा। अब हम इसको गए देखिए अच्छे से मैश कर लिया मैंने इसको, हम इसको छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको छन्नी से छान लिया है, एकदम स्मूथली एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, आपको जितना मीठा रखना है उस अनुसार चीनी ऐड कर लीजिए, सेंधा नमक, जीरा पाउडर, नींबू का रस, देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने शक्कर और नींबू, नमक और जीरा पाउडर मिला दिया है। अब ये बनके रेडी हो गया है पीने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आंवले का बेल का शरबत बनके रेडी हो गया है, और इसको आप गर्मियों में ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। आप मेरी बात मानिए, ये बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ठंडक देता है। लू वगैरह लगी हो आप बेल का शरबत पी लीजिए, उसमें बहुत ही राहत मिलती है। इससे आप घर पे बनाइए, और सरल है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें। आप इस तरह बेल लाइए पका हुआ, हल्का सा पीला होगा तो वो समझ लीजिएगा बहुत पका हुआ है। और यहाँ से ये उसकी एक पहचान ये भी है कि यहाँ से उसका जो यहाँ से जो डंडी लगी रहती है वहाँ से स्मेल बहुत अच्छी आती है बेल की, तो उससे पता चल जाता है कि ये बेल पक गया है अंदर से। हम इसका शरबत बनाने के लिए रेडी है, उस तरह का बेल खरीदिएगा। आप इसको घर पर बनाइए और पीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बेल का शरबत आपको कैसा लगा, और
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए गाइज। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइज़।